देखिए जी, सिंगल प्लेयर गेम्स की बात ना करें वो तो डेड सीन है, किसी को भी नहीं चाहिए। मल्टीप्लेयर गेम्स होती हैं जो सबको चाहिए। मल्टीप्लेयर इज वेरी सैड। क्या 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 बोल रहा है, क्या बोल रहा है? सिंगल प्लेयर गेम्स डेड है? ऐसे कैसे बीसी? ये देख और ये सारे स्कोर देख और तू ये ले। Hey, welcome to the Two Sweet Show. I'm your host Bantu Cage, back again with another episode. आज की वीडियो में बात करेंगे कंट्रोल का from Remedy, और मैं कहता हूँ ओए होए होए क्या बात है। कंट्रोल एक थर्ड पर्सन एक्शन एडवेंचर स्टोरी ड्रिवन गेम है, और सबसे जबरदस्त बात ये कि Remedy एक क्लासिक वीडियो गेम फॉर्मूला को लेके उसको इतना यूनिक, डेंस और डिफरेंट बना देता है कि वाकई में इट्स वन हेल ऑफ एन एक्सपीरियंस। इतना टाइम मैंने इस गेम के अंदर इन्वेस्ट किया, इट वॉज टोटली वर्थ इट। ये बहुत अच्छी गेम है, बहुत ज्यादा डिफरेंट गेम है, और एक ऐसा थर्ड पर्सन एडवेंचर है जो शायद आपने पहले कभी नहीं खेला। इसमें कोई शक नहीं है कि गेम बहुत जबरदस्त है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे इशू और एरर्स हैं जिनका आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। Obviously, I will tell you about it later in this review. Also, I want to thank my good friends at Thrift.PK for sponsoring out the Two Sweet Show. उन्होंने मुझे कंट्रोल की कॉपी भेजी ताकि मैं खेलूं और आप लोगों के लिए रिव्यू करूं। अगर आपने कंट्रोल खरीदनी है जो खरीदना बनता है, और any other game, then buy it off from Thrift.PK at the best prices in Pakistan. Now let's switch to the voiceover and talk about control with a whole lot of detail. Let's go. As always, let's start with the story first, और ये review बिल्कुल spoiler free है, footage भी out of context है, शुरू के gameplay की, तो आप आराम से देखें। गेम में आप खेलते हैं इस protagonist जैसी फेडन, जो निकलती है answers ढूंढने अपने lost brother के। पूरी गेम में जैसी को एक आवाज accompany करती है जो उसके अपने mind में होती है, और काफी spooky सा scene बनता है। एक secret government agency, federal bureau control, जिसका supernatural चीजों से link होता है, और वो सारे other worldly matters को handle करते हैं। जैसी एक full on skyscraper type building ढूंढती है the oldest house के नाम से, और ये पूरी गेम एक building पे revolve करती है। आप जो कुछ भी करते हैं, जिधर भी जाते हैं, वो सब कुछ इस एक बिल्डिंग के अंदर हो रहा होता है। कंट्रोल की स्टोरी में बहुत सी वियर्ड बातें, जैसे एक पिरामिड आपका बॉस होता है और वो थ्रू एंड थ्रू आपसे बातें भी करता है, और बड़ी ट्विस्टेड सी और बाज दफा मफल्ड सी स्पीच से ही इंटरेक्ट्स विद यू। पूरी गेम में डायलॉग का बहुत बड़ा रोल है, बहुत सारी बातें बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर से करते हैं, और ये सारी सुनने वाली है। देयर इज अ लॉट ऑफ हैवी वर्ड प्ले इन दिस गेम। लाइव एक्शन कट सीन्स भी काफी ज्यादा है गेम में, और उनमें एक्टर्स की परफॉर्मेंस काफी स्ट्रॉन्ग रही है, जो कि गेम की सेटिंग एक सुपर नेचुरल थीम पे। आप बहुत दफा डिफरेंट एरियाज, वर्ल्ड्स और रेल्म्स में जाते हैं, ये सब भी हाउस से ही होता है, आप वहीं से जाते हैं, और ये बहुत ज्यादा शार्प और स्मार्ट मूव है। Remedy ने एक जगह वाकई में व्हेन यू एग्जीक्यूट द मूव्स एंड गो टू डिफरेंट प्लेसेस, वो बहुत कूल लगता है। कंट्रोल की स्टोरी बहुत ज्यादा डेंस है, काफी चीजें रिवील होती हैं, बहुत सी बातें छुपी भी रह जाती हैं टिल द वेरी एंड ऑफ दिस गेम, लेकिन इस सब के साथ भी आपके लिए ये स्टोरी बोरिंग नहीं होती। कोई खास बैक स्टोरी ओरिजिन्स नहीं बताए, जैसे ही गेम आप शुरू करते हैं, कंट्रोल आपको एक वियर्ड, कंफ्यूजिंग और मेंटेन फ्लो वाली स्टोरी में खींच लेती है। गेम की नरेशन में बाज दफा आपको ऐसे लगेगा कि कुछ लूप होल्स है या कुछ चीजें स्लाइटली मैच नहीं करी, क्योंकि एज अ सेट स्टोरी काफी डेंस है, डार्क है, और बाज दफा कंफ्यूजिंग भी है, लेकिन इस सब के साथ भी ये काफी लीनियर है। राइटिंग और ओवरऑल इसको डिजाइन ऐसा अच्छा किया गया है दैट यू एंजॉय फॉलोइंग अप, खेलने का भी मजा आता है। ज्यादा डिटेल स्टोरी की इसीलिए नहीं बता रहा ताकि आपकी गेम स्पॉइल ना हो जाए, तो ये बहुत बेसिक सी हाइलाइट्स थी, जस्ट सो यू गेट व्हाट द गेम इज लाइक। गेम प्ले के अंदर पजल्स भी थी, और मैं तकरीबन पागल हो चुका था, क्योंकि ईजी से ईजी और फिर टका के कॉम्प्लिकेटेड। Remedy ने सही टेकिंग की है यहाँ पे प्लेयर्स की। और अगर मैं आपको स्टोरी की बात बताऊं तो इट वॉज वेरी गुड, वेरी वेल डन। और अगर आप मेन स्टोरी की बात करें तो इट वॉज ऑल वेरी वेल डन। मेरा टोटल गेम प्ले का टाइम 19 आवर्स का था। गेम ना तो बहुत ज्यादा छोटी थी या ना ही रिडिकुलसली लंबी थी, इट वाज ऑफ द परफेक्ट लेंथ। अब गेम प्ले की बात करते हैं, क्योंकि काफी कुछ है यहाँ पे। फर्स्टली जो एरिया का डिजाइन है, बिल्डिंग की पूरी बिल्ड वो काफी मेट्रोवेनिया टाइप है, क्योंकि बहुत से रास्ते हैं, बहुत से डिफरेंट रूट्स हैं, सीक्रेट एरियाज और सीक्रेट पैसेजेस भी हैं। स्टोरी वाइज तो लीनियर है, लेकिन ओल्ड हाउस बिल्डिंग का डिजाइन ऐसा है कि आप ना चाहते हुए भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर जरूर करते हैं, और कुछ एरियाज में जाने के लिए आपकी प्रोग्रेशन भी जरूरी होती है। पूरी गेम में बहुत ज्यादा कॉम्बैट और एक्शन है, दहेज टेक ओवर कर लेता है, और बहुत अजीब से पोजेस्ड लोग होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के, कुछ नॉर्मल, कुछ आर्मर्ड और कुछ स्पेशल एनिमीज होते हैं, और कुछ की बड़ी बड़ी हेल्थ बार्स होती हैं, वो यूजुअल बॉस बैटल टाइप सीन होता है। इन सबसे लड़ना काफी शुगलिया है, बहुत ज्यादा एंजॉयबल है, लेकिन जितना आप अपने कैरेक्टर को अपग्रेड करेंगे और उसकी एबिलिटीज को, उतना कॉम्बैट में आपको फायदा हो। बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजी जरूर लगानी पड़ती है, क्योंकि बाज दफा वो उड़ भी रहे होते हैं और वो चीजें चुक चुक के मार रहे होते हैं, बट देन अगेन इट्स ऑल वेरी डूएबल। लेकिन कुछ टाइम्स ऐसा होता है कि अटैक्स ऐसे नॉन स्टॉप आ रहे होते हैं कि मुश्किल हो जाता है, एंड इवेंचुअली शुरू के कुछ घंटों में आप बहुत ज्यादा दफा मरेंगे, बट देन वंस यू गेट द हैंग ऑफ इट, इट्स वेरी फन। जैसी के पास एक सर्विस वेपन होती है, विच इज बेसिकली अ गन, लेकिन सबसे आला बात यह कि ये इन्फिनिट एमओ वाली वेपन है। इसका रन आउट मीटर जरूर है ताकि स्पैम ना की जाए, लेकिन इसका मैकेनिज्म बहुत अच्छा है, टेक्स अ फ्यू सेकंड्स टू लूजन अप एंड रिचार्ज। इसको अपग्रेड करें तो क्या ही बात है, यू गेट डिफरेंट मोड्स, एक ऑटोमेटिक है, एक शॉटगन ब्लास्ट टाइप है, एंड सो ऑन। फिर सुपर एबिलिटीज भी हैं, जैसे टेलीकिनेसिस, इवेड, लेविटेट, स्ट्रेंथ, शील्ड एंड अ होल लॉट मोर, वो मैं आपके लिए स्पॉइल नहीं करूंगा। बहुत सी गेम्स में टेलीकिनेसिस है, लेकिन कंट्रोल में बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया हुआ है। किसी भी चीज को
उठाना और एनिमीज के मुंह पे मारना घुमा के इवन बड़े साइज के आइटम्स भी वो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग होता है। और जो उसकी एनिमेशन है, जैसे अगर कोई चीज दूर है तो वो जैसी ही हाथों में छोटा सा स्वीट टाइम लेके आती है, इट लुक्स रियली एपिक। फिर उड़ के शूटिंग करना और एयर इवेड करना, इनकी एनिमेशन से लेके इनकी फील तक, इट्स ऑल वेरी वेल डन। और भी बहुत ज्यादा कमाल एबिलिटीज हैं जो इन सबसे भी ज्यादा कूल है, लेकिन वो मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, जब आप गेम खुद खेलेंगे यू विल गेट टू नो अबाउट देम। स्किल ट्री भी है और बड़ा अपफ्रंट सिंपल सा है। एबिलिटीज, वेपन्स और अटैक्स को अपग्रेड करते हैं, इट्स वेरी इजी टू डू देम। कोई आउट ऑफ द वे ओखा या मुश्किल काम नहीं है, आपको बहुत ज्यादा अन्य वक्त ग्राइंड नहीं करनी पड़ती। एक मसला जो मैंने नोट किया काफी प्लेयर्स के लिए डाउनसाइड बन सकता है, वो ये है कि सारे एरिया की बिल्ड अंधेरों वाली जगह भी है लेकिन वेल लिट एरियाज भी है, बट जनरली इट्स ऑन द लो लाइट साइड। दरवाजे इतने हैं लॉक्ड अनलॉक्ड, बाज दफा आप घूम घूम के एक तरफ आ जाते हैं। अगेन एज आई सेड, ये मेट्रोइडवेनिया है जो सबके हक में नहीं जाती। गेम को एटमॉस्फेरिक बहुत बनाया और वो वाकई में है भी, लेकिन मोस्टली गेम प्ले फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है क्योंकि तकरीबन सब कुछ आपने अपने ओन पे खुद ही ढूंढना होता है। ऑब्जेक्टिव्स या मिशन जरूर डिस्प्ले हो रहे होते हैं साइड पे, मैप भी होता है, लेकिन लाइक मोस्ट ऑफ द गेम्स कोई स्पेसिफिक डायरेक्शनल पॉइंटर या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की मार्किंग नहीं होती जिससे आपको पता चल जाए कि वे टू गो एंड वॉट टू डू। यहाँ पे कंट्रोल ने लेवल को बहुत ज्यादा ऊपर उठाया कि यू एक्चुअली हैव टू टेक टाइम एंड फिगर इट आउट। बिल्डिंग में साइंस भी है जो काफी काम आ सकते हैं, लेकिन फिर भी आई विश के इस एस्पेक्ट पे थोड़ा लाइटली लेते, आपको थोड़ा सा सीन ऑफ हो सकता है इधर। गेम का कोर लूप तो यही है कि आप मूवमेंट करते हैं, डिफरेंट जगहों पे जाते हैं और टका के बुरे लोगों को मारते हैं। थोड़ा बहुत गेम का इशू हो जाता है रिपेटेटिव होने का, लेकिन इतना नहीं कि आपका एक्सपीरियंस स्टेल या ऑफ हो जाए, क्योंकि रेमेडी ने गेम को विजुअली बहुत अच्छा बनाया है। एंड विद दैट सेड, मूविंग ऑन टू ग्राफिक्स, यहाँ पे तो रेमेडी ने काफी काम किया है। जो स्पेशल इफेक्ट्स हैं दे लुक अमेजिंग। सीधी सीधी बात है, जैसे कॉरिडोर में पेपर उड़ रहे हो, ब्लास्ट की एनिमेशन है, फिर ऊपर उड़ के हवा में अटैक्स करना, ये विजुअली बहुत ज्यादा प्लीजिंग है एंड ग्राफिक्स आर ग्रेट। जैसे कि फेस स्कैन से लेके कैरेक्टर मॉडल्स, एरियाज, एनिमीज, शेड्स, सब कमाल है। गेम पॉलिश्ड है, नो डाउट्स देयर। और साउंड डिजाइन की बात करें तो कंट्रोल, अब जो कि एक बहुत डीप और डेंस गेम है, वंस अगेन जैसे आपका बॉस बहुत सी बातें करता है, जैसे कि खुद दिमाग में एक आवाज होती है, और जनरली भी गेम में डायलॉग प्ले और स्पीच की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो साउंड डिजाइन का यहाँ पे इट बिकम्स टू इंपॉर्टेंट। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि रेमेडी ने यहाँ पे भी दे डिड एब्सोल्युटली वेल। वॉइस एक्टिंग साउंड्स कन्विंसिंग, गन्स की आवाजें काफी अग्रेसिव हैं, कॉम्बैट की भी बहुत ज्यादा ऑन पॉइंट है, एबिलिटीज, एनिमीज और पूरी एनवायरनमेंट की बहुत ज्यादा शार्प और बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल है। अब इस गेम में बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइड्स हैं, कुछ माइनर कॉन्स भी हैं, लेकिन एक ऐसी फजूल बात है जिससे काफी हर्ट होता है आपके सारा एक्सपीरियंस, और वो है परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड प्लेस्टेशन 4 और एक्सबॉक्स 1 एस पर गेम इतना सफर करती है, द मोमेंट आपकी स्क्रीन पे कुछ ज्यादा हो, कोई इंटेंस फाइट हो या देयर इज अ लॉट ऑन योर स्क्रीन, तो फ्रेम रेट्स ऐसे गिरते हैं जैसे मेरे मैथ में ग्रेड गिरे थे। फाइटिंग वैसे ही इतनी कमाल है, और उसमें जब गेम इतना मसला करे तो सीन बहुत ज्यादा ऑफ हो जाता है। फिर अगर आप मर जाए गेम में तो लोडिंग स्क्रीन से लेके इन गेम वापस आना, इट फील्स वे टू डैम लॉन्ग। रेमेडी ने ये खास चेवल मारी है और पता नहीं इनको ऑप्टिमाइजेशन अच्छी रखने से क्या मसला है। मुझे इतना दुख होता है बार बार अच्छे पार्ट पे गेम को मरते देखने का, क्योंकि FPS ऐसे गिरते हैं, इट्स रियली फ्रस्ट्रेटिंग मैन। अब ये मसला नॉनस्टॉप 24/7 तो नहीं चलता, लेकिन द मोमेंट आपकी स्क्रीन पे बहुत ज्यादा एक्टिविटी होने लग जाए तब फ्रेम रेट्स गिरते हैं, और मोस्टली इंटेंस फाइट्स में ये चीज होती है। और अगर वैसे आप पैच से ठीक कर भी देते हैं तो बहुत लोगों ने आई एम श्योर अब तक ये गेम खेल ली होगी, तो डजंट रियली मैटर। ऑल्सो अच्छे हाई स्पेक्स पीसी पे गेम रन्स ऑलमोस्ट विदाउट एनी इश्यू, बट स्टैंडर्ड कंसोल्स पे फ्रेम रेट का गिरना बहुत ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात। सो माय फ्रेंड्स, विद ऑल दिस सेड, अब बात आती है वर्डिक्ट की, एंड वाओ, एक डिफरेंट और टका के डेंस स्टोरी, कैंपेन का स्टडी फॉलोअप, एडिक्टिव गेम प्ले, कमाल एबिलिटीज, प्यारे ग्राफिक्स, और लास्टली रेमेडी के जबरदस्त नए से नए यूनिक उल्टे पुल्टे और इतने अच्छे कॉन्सेप्ट्स, और फिर उनकी कमाल की इम्प्लीमेंटेशन, एक ऐसी गेम जिसको खेलें तो आपको वाकई में मजा आ जाता है, इट्स एन एक्सपीरियंस लाइक नन अदर। और रेमेडी फुल फॉर्म में, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, गेम की इंटेंस कॉम्बैट सीन में एज अ सेट परफॉर्मेंस इश्यूज अगर ना होते तो ये और भी जबरदस्त सीन हो जाता, बट देन एंड देन I totally recommend this game to you. Pick Control, a classic video game, a single player story, fun है, linear है. The game was a total surprise, man. और क्या चाहते हो? For single player story lovers, this one is totally for you. With all this said, my friends, our episode comes to an end. I hope you guys enjoyed. If you did, please let me know in the comment section down below. आपको मेरा review कैसा लगा? आप agree करते हैं, disagree करते हैं? आपको Control कैसी लगी? क्या आप ले रहे हैं game को या नहीं ले रहे? I wanna hear it all in the comment section. वहाँ पे अपनी गपशप को continue रखते हैं. And as always, you guys take good care of yourself. This is your host, Punjabi, saying until next time, Allah Hafiz.